क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट द ग्राउंड्स एंड कंसीक्वेंसेस ऑफ वॉलेंटरी वाइंडिंग अप। तो वाइंडिंग अप जो होता है वो दो तरीके से होता है। कंपल्सरी वाइंडिंग अप होता है जो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स पर जनरली आप लोगों को करना पड़ता है, या फिर मतलब जब ऑर्डर्स दिए जाते हैं, ठीक है ना, तो पेटिशन किसी ने दायर करी तब आपके पास ऑर्डर आया। और दूसरा होता है वॉलेंटरली वाइंडिंग अप। वॉलेंटरली का मतलब ये है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स या कंपनी खुद से ही चाह रही है कि कंपनी वाइंड अप हो जानी चाहिए, कंपनी की प्रोसेसिंग बंद हो जानी चाहिए। तो दैट इज व्हाट वॉलेंटरली वाइंडिंग अप, यानी खुद कंपनी के मेंबर्स किसी और के इंटरफेरेंस के बिना, यानी ट्रिब्यूनल के खास तौर पर ऑर्डर के बिना खुद ही अपनी कंपनी को बंद कर देते हैं, तो उसे हम वॉलेंटरली वाइंडिंग अप कहते हैं। जनरली ग्राउंड्स क्या होते हैं वाइंडिंग अप के? तो ऑब्वियस सी बात है, शेयर होल्डर ने जनरल मीटिंग बुलाई और जनरल मीटिंग में वाइंड अप कर लिया। जनरल मीटिंग में वाइंड अप कब हो जाता है? जब मान लीजिए कि आपने एक पर्टिकुलर पर्पस डिफाइन किया था अपनी कंपनी का, वो पर्पस अकम्प्लिश हो गया, या फिर जितना टेन्योर आपने सोचा था अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कि इतने टाइम तक मेरी कंपनी चलेगी, वो टाइम फिनिश हो गया, तो आपके पास जनरल रेजोल्यूशन पास करकर जनरल मीटिंग में, सॉरी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करकर जनरल मीटिंग में, इन दो ग्राउंड्स पर कंपनी का डिसोल्यूशन हो सकता है, यानी वाइंडिंग अप हो सकता है। ठीक है, अगर आपके पास ये दोनों ग्राउंड्स नहीं है, यानी आपका जो फिक्स ड्यूरेशन था वो फिनिश हो गया, या जिस इवेंट के लिए आपने बनाया था वो फिनिश हो गया, इन दोनों के अलावा आप कंपनी का वाइंड अप करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। हमें पता है जनरल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब होता है 51%। तो देखो ऑब्वियस था ना, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की जरूरत है, क्योंकि दैट्स ऑब्वियस कि जिस पीरियड के लिए बनाया था वो पीरियड फिनिश हो गया, जिस पर्पस के लिए बनाया था वो पर्पस अकम्प्लिश हो गया। लेकिन इन दोनों के अलावा अगर आपको किसी भी वजह से कंपनी को, मेंबर्स को लग रहा है या क्रेडिटर्स को लग रहा है कि यार कंपनी को आगे नहीं चलना चाहिए, तो अगर वो उसको डिसॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास कर सकते हैं, इसके अलावा जो भी ग्राउंड आपको लगता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि जब आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा, उसके 14 दिन के अंदर अंदर जो ऑफिशियल गैजेट्स होते हैं उसके अंदर आपको ये पब्लिश करना है कि आप, ताकि वो सर्कुलेट हो सके अपने डिस्ट्रिक्ट में कि आप अपनी कंपनी का वाइंड अप करने जा रहे हो। ठीक है, तो अगर आप कोई भी चीज नहीं फॉलो करोगे, या डायरेक्टर्स जो भी है वाइंडिंग अप से रिलेटेड जो बातें बोली गई, जिसे ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करने के लिए बोला गया, आपने नहीं करा, तो आपको हर दिन के हिसाब से ₹5,000 जो है डिफॉल्ट भुगतना पड़ेगा। तो ये तो हो गया कि वॉलेंटरी वाइंडिंग अप क्या होता है। तो जब मेंबर्स खुद से या क्रेडिटर्स खुद से, शेयर होल्डर्स खुद से कंपनी की प्रोसेसिंग को फिनिश करना चाहते हैं, तो वो आपके पास वॉलेंटरी वाइंडिंग अप है। और दो ग्राउंड उसने दे दिया आपके पास, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। अब आपके पास है व्हाट आर द कंसीक्वेंसेस ऑफ वॉलेंटरी वाइंडिंग अप। कंसीक्वेंसेस होते हैं कि वाइंडिंग अप होने के बाद क्या इफेक्ट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ कंसीक्वेंसेस आपको डिफाइन करेंगे। सबसे पहली बात, कमेंसमेंट ऑफ वॉलेंटरी वाइंडिंग अप, यानी जैसे ही आपने ये रेजोल्यूशन पास कर दिया जो भी चीज, आप डिसोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला इफेक्ट। ठीक है, कंपनी अपने जो है अब इस तरीके से वर्किंग करना बंद कर देगी। सेकेंड, स्टेटस ऑफ द कंपनी, अब जो कंपनी का स्टेटस है वो सीज हो जाएगा, वो किसी भी तरीके का बिजनेस नहीं कर सकती। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप प्रोसेस के अलावा। थर्ड है पोजेशन ऑफ द एसेट्स, जो भी कंपनी की एसेट्स होंगी, वो जो ऑफिशियल लिक्विडेटर होगा, जो कंपनी ने अपॉइंट करा है, उस ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास वो एसेट्स चली जाएंगी और वो उन एसेट्स को सेल कर लोन वगैरह या डेट वगैरह जो भी है चुकाना शुरू कर देगा। फोर्थ कंसिक्वेंस, डिस्चार्ज ऑफ द इम्प्लॉय, जिस दिन आपके पास ये रेजोल्यूशन पास करा जाता है वॉलेंटरी वाइंडिंग अप को लेकर, तो ये ऑटोमेटिक नोटिस होता है उस कंपनी के इम्प्लॉयज के लिए कि कंपनी आज से बंद होने वाली है, तो आप कंपनी की जिम्मेदारियों से या फिर जो भी आपकी इम्प्लॉयमेंट जो पीरियड है, टेन्योर है, उससे आप डिस्चार्ज हो गए हो। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट है टर्मिनेशन ऑफ द बोर्ड पावर्स। तो ऑब्वियसली जब कंपनी रहेगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर्स भी फिनिश हो जाती है, मतलब जैसे ही आपका लिक्विडेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो जो पावर्स होती है ना कंपनी की, जो लिक्विडेशन करने का जो चीज है, वो भी लिक्विडेटर के हाथ में चली जाती है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो पावर्स है वो भी सीज हो जाती है, उनको भी ऑटोमेटिक नोटिस है कि अब आप किसी भी तरीके का कोई काम नहीं कर सकते सिवाय जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है उसको अपॉइंट करने के। इसके अलावा एक और कंसिक्वेंस है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स वॉइड, यानी जब कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा होता है तो कोई भी शेयर होल्डर अपने शेयर किसी और को बेच नहीं सकते, यानी शेयर्स वॉइड हो जाएंगे अगर आप सेल कर रहे हो तो परमिशन जो है वो हटा दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ अगर जो लिक्विडेटर है उसकी परमिशन है तभी आप ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज शेयर्स का ट्रांसफर वॉइड हो जाता है। लास्ट और इंपॉर्टेंट वन, क्रेडिटर्स प्रोसीडिंग, कोई भी लोनर अब कंपनी के ऊपर किसी भी तरीके की प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकता, किसी भी तरीके का सूट नहीं चलेगा, और जो पेंडिंग सूट है वो भी एक तरीके से होल्ड हो जाएंगे, और जो भी लिक्विडेटर फाइनल पेमेंट उनको देगा वो पेमेंट उनको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये कंसीक्वेंसेस हो जाते हैं जैसे ही कंपनी वाइंड अप हो जाती है, कि कंपनी की प्रोसेसिंग बंद हो जाएगी, कंपनी के एम्प्लॉय डिस्चार्ज मान लिए जाएंगे, कंपनी के एसेट्स जो है वो लिक्विडेटर के हाथ में चली जाएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कोई पावर नहीं रह जाएगी सिवाय
लिक्विडेटर को अपॉइंट करने के। कोई भी शेयर होल्डर अपने शेयर नहीं बेच सकेगा और कोई भी क्रेडिटर या लोनर जो है वो कंपनी को किसी भी तरीके से स्यू नहीं कर सकता।